नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है गांधीधाम से हावड़ा तक चलने वाली गरबा साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है गांधीधाम गुजरात से राहुल शुकनानी ने। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें इस बेल आइकन को ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों गांधीधाम से हावड़ा तक चलने वाली गरबा साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 12937। दोस्तों अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइम की बात करें तो यह ट्रेन गांधीधाम से हावड़ा की कुल दूरी 2525 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करती है 43 घंटे और 30 मिनट में। इस ट्रेन की परमिशेबल स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी एवरेज स्पीड है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन का संचालन करती है पश्चिम रेलवे। और दोस्तों ये जो ट्रेन है ये हफ्ते में एक दिन चलने वाली एक बाई वीकली ट्रेन है। यह ट्रेन हर शनिवार को गुजरात के गांधीधाम से रवाना होती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से गुजरती हुई पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के गांधीधाम से हावड़ा के बीच में 16 स्टेशन है और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। अगर इस ट्रेन के कोचेस की हम बात करें तो इसमें ICF श्रेणी के AC 2 टायर का एक कोच है जिसका गांधीधाम से हावड़ा तक का किराया है 3225 रुपए। AC 3 टायर के 6 कोच हैं जिसका किराया है 2185 रुपए। स्लीपर क्लास के 8 कोच हैं जिसका किराया है 835 रुपए और सामान्य क्लास के इसमें 6 कोच हैं जिसका किराया है 480 रुपए और 2 कोच लगेज कोच हैं। यह किराया दोस्तों गांधीधाम से हावड़ा तक का है और इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या फिर रेलवे के टिकट काउंटर से कन्फर्म करें। इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग व ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। और अगर बात करें दोस्तों इस ट्रेन के लोकोमोटिव की तो इस ट्रेन को गांधीधाम से अहमदाबाद तक रतलाम लोको शेड का WDM-3A या WDM-3D या फिर वटवा लोको शेड का WDM-3A या WDM-3D इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। और अहमदाबाद से हावड़ा तक इस ट्रेन को मुगल सराय लोको शेड का WAP-4 या फिर वडोदरा लोको शेड का WAP-4E इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और गरबा एक्सप्रेस के सभी स्टेशनों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों गांधीधाम से हावड़ा तक चलने वाली गरबा सुपरफास्ट ट्रेन हर शनिवार शाम 5:40 पर गांधीधाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है। और दोस्तों गांधीधाम से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है सामा ख्याली जंक्शन। शाम के 6:28 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और 6:30 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है धांगद्रा जंक्शन रात के 8:08 पर और 8:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है अहमदाबाद जंक्शन रात के 10:55 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 25 मिनट रुकने के बाद 11:20 पर यह ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों अहमदाबाद तक यह ट्रेन अपनी 300 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और यहाँ पर इस ट्रेन का इंजन भी चेंज होता है। इसमें डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है वडोदरा जंक्शन रात के 1:21 पर और 1:36 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 15 मिनट का स्टॉपेज है। वडोदरा जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुँचती है रतलाम जंक्शन दूसरी सुबह 6 बजे और 6:10 पर यह ट्रेन रतलाम जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है कोटा जंक्शन सुबह के 9:40 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद 9:50 पर यह ट्रेन कोटा जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ तक यह ट्रेन अपनी 926 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है श्री महावीर जी दोपहर के 12:48 पर और 12:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है आगरा फोर्ट दोपहर के 3:30 पर और 3:40 पर यह ट्रेन आगरा फोर्ट से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है टुंडला जंक्शन शाम के 4:45 पर और 4:55 पर यह ट्रेन टुंडला जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है।
फिर यह ट्रेन पहुंचती है कानपुर सेंट्रल शाम के 7:57 पर और 8 मिनट रुकने के बाद 8:05 पर यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक यह ट्रेन अपनी 1514 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है प्रयागराज उर्फ इलाहाबाद जंक्शन रात के 10:35 पर और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद 10:45 पर यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रात के 2:45 पर और 2:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह ट्रेन अपनी 1861 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सासाराम जंक्शन रात के 3:59 पर और तीसरी सुबह 4:01 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है गया जंक्शन। सुबह के 5:25 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 5:30 पर यह ट्रेन गया जंक्शन से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है धनबाद जंक्शन सुबह के 9:06 पर और 9:14 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 8 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है आसनसोल जंक्शन सुबह के 10:09 पर और 10:14 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है हावड़ा जंक्शन। दोपहर के 1:10 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और यहाँ तक यह ट्रेन अपनी 2525 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। दोस्तों यह ट्रेन 22951/2 गांधीधाम से बांद्रा टर्मिनस तक चलने वाली वीकली सुपरफास्ट के साथ अपने रेक भी शेयरिंग करती है। तो दोस्तों ये थी गांधीधाम से हावड़ा तक चलने वाली गरबा सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।